राकेश शर्मा करके कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है। हाय लेडीज एंड लेडीज, दुनिया के जितने भी मैन हैं, सब आप महिलाओं के फैन हैं, क्योंकि आपके पास विश्व का हर ज्ञान है। ए टिंडे की शक्ल वाले, टिंडर के जोक सुनाओ ना, हम यहाँ क्या पकने आए हैं? रौनक की महफिल है कि रोने की महफिल? नॉनवेज जोक, थोड़े वल्गर, डबर मीनिंग। वेब सीरीज बना रहे हैं सर, और उसका नाम है अल्लाह मेहरबान तो नल्ला पहलवान। और गुड न्यूज सर, नल्ला का रोल आपके लिए ही है। किसने की कंप्लेंट? किसने नहीं, कितने की, पूरी लिस्ट है कंप्लेंट की। क्या भाव, कॉमेडी करने का ना चुपचाप, काय को लफड़े में पड़ता है भाई? क्या हालत बना रखी है तुमने? ये लो बिस्किट खाओ। हाँ खाओ खाओ, इंसानों के ही खाने के। दुनिया को बदलने का चक्कर छोड़ो, अपने आप को बदलो, जैसे कि मैंने बदला। अपनी परफॉर्मेंस से फुल एंटरटेनमेंट करना है, जोक सुनाना है, हंसाना है, बस सुनने के बाद चेहरे पे मुस्कुराहट आए। तुम्हारा चेहरा देख के लोगों का दिन खराब होता है, कभी अपना चेहरे को आईने में देखो। इंस्पेक्टर साहब, आजकल वैसे ही हंसाने वाले लोगों की बहुत कमी हो गई है, अब तो हम नेता लोग भी रो रहे हैं। सोच को तेरी पड़ गई मोच, ला शर्म ना है संकोच। सोच को तेरी पड़ गई मोच, ला शर्म ना है संकोच। ओपन माइक के नाम पर जब करता है गाली गलौज, मत कर देवड़े गाली गलौज, गाली गलौज। तुम तो सिर्फ ऑडिशन के लिए आए हो बेटा। 100 बात की एक बात हमेशा याद रखना, किसी को खुल के हंसाना इससे बड़ी इबादत नहीं है। सुनो बहना, मुझे किसी भी सब्जेक्ट पे कॉमेडी नहीं करने दे रही ना, अपने ऑर्गेनाइजर से कहो कि मुझे कुछ नहीं करना। सारी दुनिया में यही ट्रेंड चल रहा है, सारी दुनिया तो गलत नहीं हो सकती। हो सकती है, सारी दुनिया गलत हो सकती है। जोक मलिहाबादी कहते हैं कि दिल आत्मा जमीर नहीं माने ना, वहाँ सारी दुनिया भी सही हो तो भी गलत है। तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से ना, तुम्हें हर जगह से लोग बायकट कर रहे हैं। इसको इतनी गाली पड़वाओ, इज्जत की धज्जियां उड़ जाए। सुबह के नाश्ते में गाली, दोपहर के लंच में गाली, शाम के स्नैक्स में गाली, रात के डिनर में भी गाली। अतरंगी लोगों की बेढंगी खोज, जिसका नाम है गाली गलौज। करता है गाली गलौज।